Hey guys, this is Prajakta and welcome to my channel RT Crafty. आज की वीडियो में हम किचन डेकोर के तीन DIYs देखेंगे। फर्स्ट DIY के लिए मैं ये एम्प्टी ग्लास जार यूज करूंगी। इसे क्लीन करके इसका स्टिकर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पेपर टेप यूज कर रही हूँ। इसे किसी प्लेन प्लेटफॉर्म पर स्टिक करेंगे। इसे स्टिक करने के बाद हाफ सेंटीमीटर पर मार्क लगाएंगे और इसके स्ट्रिप्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम हमारे किचन को डेकोरेट करने के लिए ऐसी चीजें यूज करेंगे जो किसी भी घर में आसानी से मिल जाती है। उन्हें ऐसे ही फेंकने की बजाय अगर हम उन्हें वाइजली यूज करेंगे तो हमारे किचन को न्यू लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम हमारे किचन डेकोर सीरीज में ऐसे ही कुछ कूल DIYs लेके आने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। इन स्ट्रिप्स को कटर की हेल्प से कट करके बॉटल पर चिपकाएंगे। आप बॉटल पर अपने पसंद से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। दोनों बॉटल्स पर हम ये पैटर्न बना देंगे। मैंने पेपर स्ट्रिप्स को दोनों बॉटल्स पर रैंडमली स्टिक किया है, तो इनका पैटर्न अलग अलग दिखेगा। अब मैं इन बॉटल्स पर एक्रिलिक कलर और पर्ल कलर से पेंट करूंगी। मैंने दोनों बॉटल्स पर पैटर्न और कलर्स डिफरेंटली यूज किए हैं। आवश्यकता अनुसार पेंट के दो या तीन कोट करें और बॉटल को अच्छे से ड्राई होने दें। कंप्लीटली ड्राई होने के बाद हम टेप को निकालेंगे। कहीं कहीं पर ये टेप अच्छे से निकल कर आएगी और कहीं पर थोड़ा कलर निकल जाएगा, बट डोंट वरी, आप इसको बाद में फिक्स कर सकते हैं। धीरे से इन टेप को निकालें। मैंने सारे टेप्स निकाल लिए हैं। जहां पर कलर का गड़बड़ हुआ है, पहले मैं उसे फिक्स करूंगी और बाद में परमानेंट मार्कर से सारे ब्लॉक्स को बॉर्डर करूंगी। ब्लॉक्स को बॉर्डर करने के बाद मैं इन्हें ऐसे ही यूज करने का सोच रही थी, पर ये बहुत खाली खाली लग रहे थे, तो मैंने इन पर जेंटेंगर आर्ट से कुछ पैटर्न बना दिए। इसके लिए मैंने ब्लैक, गोल्डन और सिल्वर कलर के परमानेंट मार्कर्स यूज किए हैं। जेंटेंगल आर्ट के बहुत सारे पैटर्न्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं। जेंटेंगल ये एक ब्यूटीफुल, रिलैक्सिंग और फन वे है किसी भी ड्राइंग को ब्यूटीफुल बनाने का। आज के तीन DIYs में से ये मेरा फेवरेट DIY है। आपको कौन सा DIY अच्छा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इन बॉटल की लीड को भी थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इसके लिए मैं बॉटल को व्हाइट जेसो से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज करें। मैंने जेसो के दो कोट लगाए हैं और ये अच्छे से ड्राई होने के बाद इनको 3D आउटलाइनर से थोड़ा और डेकोरेट किया है। अब इन पर क्लियर वार्निश लगाकर इनको वाटरप्रूफ करेंगे। बॉटल और लीड दोनों को हम वार्निश लगाएंगे। ये ब्यूटीफुल जार में शुगर और टी पाउडर स्टोर करने के लिए यूज करूंगी। इन कंटेनर में शुगर और टी पाउडर भरने के बाद हमने कलर के बीच में जो गैप छोड़ा है वहां पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर दिखने लगेगा। इस ब्लैक एंड व्हाइट कलर से हम जार को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें इस पर शुगर या टी ऐसे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे शुगर और टी कंटेनर कितने ब्यूटीफुल, कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हमारे सेकेंड DIY के लिए पहले हम न्यूज़पेपर से स्ट्रिंग्स बनाएंगे। जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे ही न्यूज़पेपर को कट करके उसके स्ट्रिंग्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि नथिंग इज वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हर वेस्ट चीज को यूज करके हम अपने घर को ब्यूटीफुली और बजट फ्रेंडली वे में डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टील बॉटल का एक एंट्री बॉक्स लिया है।
इसके हाइट के अकॉर्डिंग मैं न्यूज़पेपर स्ट्रिंग्स को कट करूंगी। अगर आपके पास सेम बॉक्स नहीं है तो आप घर पर बड़ा कोई भी एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज कर सकते हैं। अब इस बॉक्स की एक साइड को मैं कट करूंगी। इस बॉक्स के इनसाइड पार्ट को हम गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर करेंगे। इसके लिए हम आउटर साइड का मेजरमेंट लेंगे ताकि हमारा पेपर कम ना पड़े। अब बाहर के पार्ट पर चारों साइड से न्यूज़पेपर स्ट्रिंग्स को चिपकाएंगे। हमने बॉक्स का जो एक पार्ट कट कर दिया था उससे मैंने ये पीसेस लिए हैं और उन्हें भी सेम गिफ्ट पेपर से कवर किया है। अब इनकी मदद से हम बॉक्स में कंपार्टमेंट बनाएंगे। मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रिंग को यूज करके 3 स्मॉल डेकोरेटिव पीसेस बनाए हैं। इन्हें हम ग्लू की मदद से बॉक्स को एक साइड में चिपकाएंगे। अब हम पूरे बॉक्स को बाहर की साइड से ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट करेंगे। ऊपर के पार्ट में कलर करते वक्त थोड़ा केयरफुली करें ताकि कलर हमारे गिफ्ट पेपर पर ना लगे। पूरे बॉक्स को अच्छे से कलर करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। हमारी डीआईवाई को एंटीक लुक देने के लिए कलर कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद इस पर गोल्डन कलर से फिनिशिंग करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर अपनी उंगली पर लगाकर उसे बॉक्स पर हल्के हल्के से लगाएं। आप गोल्डन की जगह सिल्वर कलर भी यूज कर सकते हैं। बॉक्स को और फाइन लुक देने के लिए मैं मोती की माला से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अब इस पैरासे बॉक्स के लिए एक लीड बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर फिट होने वाले साइज का एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसे भी सेम गिफ्ट पेपर से कवर करेंगे। गिफ्ट पेपर के साइड का पार्ट अंदर जाएगा और ऊपर के पार्ट पर हम न्यूज़ पेपर की स्ट्रिंग्स चिपकाएंगे। उसे भी सारे प्रोसेस रिपीट करके बॉक्स की तरह ही लुक देंगे। फ्रेंड्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए और डिफरेंट डीआईवाईज बनाने के लिए। तो प्लीज, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आज का कौन सा डीआईवाई आपको ज्यादा अच्छा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम ये बॉक्स किचन में यूज करने वाले हैं तो इस पर वार्निश के 2 फुट लगाकर इसे वाटरप्रूफ करेंगे तो इस बॉक्स की लाइफ बढ़ेगी। मैंने बॉक्स की बेस पर भी वार्निश लगाया है। इस बॉक्स में आप किचन में यूज होने वाली सारी छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं। जब आपको जरूरत हो तब ये आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने मेरे एक वीडियो में स्विच बोर्ड को डेकोरेट करने का ये आइडिया बताया था, जिसमें मैंने मेरे किचन के स्विच बोर्ड पर ये प्रिंटेड पेपर लगाया था। इस पेपर को अब 2 साल हो गए हैं और ये ऑयल की वजह से थोड़ा स्टिकी हो गया था, इसलिए मैंने इसे क्लीन करने के लिए थोड़ा रब किया पर ये खराब ही हो गया। तो आज की वीडियो में मैं इसे बदलने का आसान तरीका बताऊंगी। पेपर को निकाल कर उसे एक बार अच्छे से क्लीन करें। लास्ट टाइम मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का पेपर यूज किया था, इस बार थोड़ा मैचिंग कलर का पेपर यूज करूंगी। इसे लगाने की डिटेल प्रोसीजर देखने के लिए मैंने पुरानी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ एक पेपर का कलर चेंज करने से ही किचन में बहुत फ्रेशनेस आ गई है। फ्रेंड्स, जिस किचन में हम दिन भर काम करते हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स के पेट को और दिल को खुश रखते हैं, उस किचन में अगर हम थोड़े से रंग भर देंगे तो काम करते वक्त हमें और ज्यादा हैप्पी और फ्रेश फील होगा। आज का ये वीडियो देखकर अगर आप ऐसी चीजें बनाते हो तो आप उसे मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर सकते हो। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।